बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़ीन फूड्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की एग मसाला करी की रेसिपी। जब कुछ समझ ना आए कि लंच या डिनर में क्या पकाना है, तो इस आसान सी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही झटपट ये बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 6 बॉयल अंडे लिए हैं। अब इन अंडों पर इस तरह से कट्स लगा लेंगे। हमें इन अंडों को फ्राई करना है, तो इस तरह से कट्स लगाने से क्या होगा कि ये फ्राई होते वक्त फटेंगे नहीं और इनमें मसाला भी अच्छे से उतर पाएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने सारे अंडों पर कट्स लगा लिए हैं, तो अब इसको फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में 2 चम्मच के जितना ऑयल डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी और उसी के साथ सारे अंडों को हमें ऑयल में डाल देना है। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और उसी के साथ 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे इसमें। और अब लो फ्लेम पर इन अंडों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से क्या होगा कि इन अंडों में अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा और ये फीके फीके से नहीं लगेंगे। और इस तरह से कट लगाकर फ्राई करने से ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर अलटते पलटते हुए मैंने इन अंडों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब इनको निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं और अब इनको एक साइड पर रख देंगे। और इसी तेल में डालेंगे 1/2 टीस्पून सौंफ और उसी के साथ डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च और कुछ सेकेंड्स के लिए इन मसालों को लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, रफली स्लाइस की हुई। अब प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम पर जब तक स्टर कर लेंगे जब तक ये हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। देखिए, प्याज यहाँ पर सॉफ्ट दिखाई देने लगी है। तो अब इसमें डालेंगे 1/2 इंच के जितना अदरक का टुकड़ा, इस तरह से बारीक पीसेस कर लिए है, और 6 से 8 लहसुन के जवे, 2 हरी मिर्च को इस तरह से काट कर डालेंगे। पहले इन मसालों को एक बार मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही 2 मिनट के लिए प्याज के साथ भून लेना है। और जब ये मसाले थोड़े से भून गए हैं, तो इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज के टमाटर, इस तरह से रफली स्लाइस किए हुए, और उसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच के जितना नमक ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और अच्छे से मिक्स करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही तब तक भून लेंगे जब तक ये टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। और अब यहाँ पर टमाटर अच्छे से गल गए हैं और सॉफ्ट और मुशी दिखाई देने लगे हैं, तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। उसके बाद इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डालकर इनका एक फाइन पेस्ट बना कर लेना है। और अब हम आ जाते हैं ग्रेवी बनाने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने गैस पर एक पैन रख लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। लो फ्लेम पर ही ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। फिर इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम लो ही होनी चाहिए वरना मिर्च पाउडर जल्दी से जलने लगता है। और अब ये मसाला जो हमने पीस कर रखा हुआ था वो भी इसमें डाल देंगे। इस तरह से जब हम ऑयल में पहले हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर डालते हैं, उसके बाद बाकी के मसाले डालते हैं, तो ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन मसालों को ऑयल में और अब लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक पका लेना है जब तक कि इन मसालों में से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, क्योंकि इसके छींटे आ रहे हैं। तो इसको ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, इन मसालों में से ऑयल भी सेपरेट हो गया है और मसाले भी बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो अब इसमें बाकी के पाउडर्ड मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और उसमें 1 टेबल स्पून पानी डालकर एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कंटिन्यू स्टर करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। अब यहाँ पर हमारे सभी मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तो अब इसमें ये फ्राई किए हुए अंडे ऐड कर लेंगे। पहले अंडों को मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे, उसके बाद कुछ देर के लिए पका लेना है ताकि अंडों में मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से उतर जाए। अब इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 1 कप के जितना पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको थिक कंसिस्टेंसी वाली ग्रेवी चाहिए तो आप 1/2 कप के जितना पानी ऐड कर लीजिएगा। एक बार मिक्स कर लेंगे और अब इसको कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेना है ताकि ग्रेवी में भी अंडों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो अब इसको कवर कर देंगे और पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ऑयल भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेपरेट हो गया है और ग्रेवी में भी इन अंडों का अच्छा सा फ्लेवर आ गया है। तो अब इसमें हरा धनिया ऐड कर लेते हैं। हरा धनिया ऐड करके एक बार मिक्स करेंगे और फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और अब इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की एग मसाला करी की रेसिपी। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि क्या बनाए लंच या डिनर के लिए, तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही आसानी से और झटपट ये बनकर तैयार हो जाती है। गर्मा गर्म नान या पराठों के साथ इसको सर्व कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।